हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में कि कोल्ड ड्रिंक्स से क्या क्या नुकसान होते हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जान लेते हैं कोल्ड ड्रिंक्स बनती कैसे हैं। तो कोल्ड ड्रिंक्स पर लिखा रहता है कार्बोनेटेड वाटर। कार्बोनेटेड वाटर का क्या मतलब होता है? यहाँ पर H2O मतलब के पानी में अंडर प्रेशर CO2 जो कि एक गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है यहाँ पर मिक्स कर दिया जाता है। तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की जो रिएक्शन बनती है इससे बनता है कार्बोनिक एसिड। तो इसी कारण कोल्ड ड्रिंक्स पर लिखा रहता है कार्बोनेटेड वाटर। तो जैसे ही हम इन कोल्ड ड्रिंक्स को ओपन करते हैं तो इसके अंदर जो अंडर प्रेशर में जो CO2 गैस होती है वो बाहर निकलना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बबल्स के रूप में जो है ऊपर निकलने लगती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात कर लेते हैं कोल्ड ड्रिंक्स को टॉयलेट क्लीनर क्यों बोलते हैं, क्योंकि टॉयलेट क्लीनर की जो pH होती है वो लगभग 1 से लेकर 3 pH होती है जो कि एसिडिक होती है। वहीं देखिए कोल्ड ड्रिंक्स की जो pH वैल्यू होती है वो लगभग 2.5 से लेकर 3.5 होती है, ये भी हाईली एसिडिक होती है। तो कोल्ड ड्रिंक्स और टॉयलेट क्लीनर की जो pH होती है वो लगभग देखिए सेम होती है, तो इसी के कारण इसको टॉयलेट क्लीनर के नाम से भी जाना जाता है। जबकि यहाँ पर देखिए टॉयलेट क्लीनर्स और कोल्ड ड्रिंक्स के केमिकल कंपोजिशन में बहुत फर्क रहता है। तो इंग्रेडिएंट्स के बेस पर हम ये नहीं कह सकते कि कोल्ड ड्रिंक्स को जो है टॉयलेट क्लीनर की तरह यूज़ किया जा सकता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं GIT की pH वैल्यू के बारे में। तो जैसे कि हम जानते हैं जो हमारा पेट होता है जिसको हम स्टमक के नाम से जानते हैं, इसकी जो pH वैल्यू होती है वो लगभग 1.5 से लेकर 2 होती है जो कि हाईली एसिडिक होती है। जबकि हमारी ओरल कैविटी और ईसोफेगस की जो pH होती है वो 6.8 होती है जो कि स्लाइटली एसिडिक होती है। अब जैसे ही कोई पर्सन देखिए कोल्ड ड्रिंक पीता है तो उस कोल्ड ड्रिंक की जो pH वैल्यू होती है वो 2.5 से लेकर 3.5 होती है जो कि ओरल कैविटी के रेस्पेक्ट में कम होती है। इसी के कारण हमारी ओरल कैविटी में कोल्ड ड्रिंक पीते ही थोड़ी सी जलन सी महसूस होती है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कोल्ड ड्रिंक के इंग्रेडिएंट्स के बारे में। यहाँ पर इसके 100 ml में 180 किलो जूल एनर्जी होती है, जबकि यहाँ पर जो फैट होता है वो 0 फैट होता है। जबकि इसके 100 ml में लगभग कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा होती है वो 10.6 ग्राम होती है। और यहाँ पर देखिए प्रोटीन और साल्ट की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो इसका मतलब ये हुआ तो कोल्ड ड्रिंक से ना ही हमको प्रोटीन मिलती है ना ही फैट मिलता है, ओनली यहाँ पर देखिए कार्बोहाइड्रेट हमको यहाँ पर मिलता है। अब इस कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही हमको यहाँ पर एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कार्बोनेटेड वाटर और शुगर, साथ ही साथ यहाँ पर लिखा रहता है देखिए कैफीन। तो इन कोल्ड ड्रिंक्स में जो है कैफीन का एक बड़ा रोल होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर स्टिंग हम देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर स्टिंग में बहुत मात्रा में कैफीन पाया जाता है। और यहाँ पर लिखा रहता है पर डे 500 ml से ज़्यादा स्टिंग का यूज़ नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ बच्चों को ये नहीं पीनी चाहिए और प्रेग्नेंट लेडी को भी ये नहीं पीनी चाहिए। तो इन कोल्ड ड्रिंक्स में शुगर कंटेंट होने के कारण शुगर कन्वर्ट हो जाती है फैट में, और जैसे ही शुगर फैट में कन्वर्ट होती है तो जो लोग ज़्यादा मात्रा में कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं वो ज़्यादा फैटी हो जाते हैं। और साथ ही साथ देखिए इसमें होता है कैफीन। तो कैफीन क्या करता है, कैफीन का जो नेचर होता है वो एडिक्टिव नेचर होता है, मतलब कि इंसान इसका आदी हो जाता है। इसी कारण इन कोल्ड ड्रिंक्स में जो है कैफीन डाल दिया जाता है जिसके कारण पर्सन को इसकी लत पड़ जाती है, मतलब कि इसका आदी हो जाता है। और यहाँ पर कैफीन का दूसरा काम होता है ब्लड प्रेशर को बढ़ा देने का। पर्सन कोल्ड ड्रिंक्स पी लेता है उसके कारण उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब जैसे ही पर्सन का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है उसकी जो प्यूपिल होती है वो डायलेट हो जाती है। अब प्यूपिल के डायलेट होने के कारण पर्सन को नींद नहीं आती है, पर्सन जो है यहाँ पर देखिए स्टिमुलेट हो जाता है। तो इसी के कारण स्टिंग को एनर्जी ड्रिंक भी बोल देते हैं। यहाँ पर कैफीन का एक और काम होता है, ये ब्रेन से जो है डोपामिन रिलीज कराता है। डोपामिन को हम खुशी का हार्मोन बोलते हैं, मतलब कि हैप्पी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे ही देखिए पर्सन को कोल्ड ड्रिंक्स मिल जाती हैं वो यहाँ पर देखिए खुशी फील करता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डायूरेटिक्स। तो जो कैफीन होती है वो पेशाब के आउटपुट को बढ़ा देती है, इसी को बोलते हैं डायूरेटिक्स, मतलब कि पेशाब का जो आउटपुट है वो दुगना हो जाता है, इसको हम बोल देते हैं डायूरेटिक्स।
तो ये कोल्ड ड्रिंक्स पीने के बाद पर्सन को देखिए पेशाब लगना शुरू हो जाता है।